बोलिए लाडली लाल की। प्यार तो बस एक होता है, सारा सुख सुख गंगा जिनके बड़ी सुंदर परिभाषा की, उनके सुख में सुखी रहना बस यही बात बुलाया, उनके सुख में सुखी रहना। हम दास तीन की बात, हम दास वो माधुर्य भाव के नाम हो, सत्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, किसी भाव हो, दास का काम किया स्वामी को प्रसन्न करना, उनको सुख देना, सेवा वाले सेवा तो एक साधन है, पर बात ध्यान दीजिए सेवा एक साधन है लेकिन एक है सुख। सेवा का मतलब क्या होता है? नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना जल दबाना, एक प्रकार की सेवाएं होती है फिजिकल। तो जानवर धन से जो सेवा हमारे यहाँ शास्त्रों में बताई गई है, इस सेवा का अभिप्राय किससे है? उनको सुख मिले किससे, अर्थात प्रेमा पद के सुख के लिए सेवा। मान लो प्रेमात्मक को इस समय सुख मिल रहा है, न खाना खाने खाना पड़ेगा होगा, मान लो उनको इस समय पानी चाहिए, प्यास लगी है, नहीं नहीं स्वामी जी दीजिए पानी चाहिए। सेवा का मतलब होता है उनके सुख का ध्यान रखना, ऐसी सेवा। मान लो उनके चरण में चोट लगी है, चरण दबाना बंद कर देंगे, क्या आपको चोट लगी हो, क्या टूटी हो, सेवा का मतलब है उनको सुख देना। और अगर इतनी योग्यता ना हो समझ सकने की कि उनको सुख कैसे मिलेगा, ये बहुत बारीक बात है, अभी आप लोग नहीं समझ सकेंगे। सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही है कि स्वामी को कब किस चीज से सुख मिलेगा, ये अंतर्यामी के सिवा कोई नहीं जानता। इसलिए सच्ची सेवा में कोई नहीं करता, इसीलिए कहा गया है सेवा धर्म परम करो योगी नाम करम करो। बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है ये सेवा करना, और जब आप वापस हो जाएंगे तब सेवा शक्ति करेंगे तो सब शक्तियां हो जाएगी आपके पास। श्याम सुंदर की किस क्षण में क्या इच्छा है अब हम जानते नहीं, मान लो उनकी इच्छा ये है कि मैं उनके सामने से चला जाऊं छोड़ देती, वो एकांत चाहते और हम बैठे हैं। अब वो संकोच के बारे में कहते स्वामी, लेकिन उनको सुख नहीं मिल रहा, तो बिना अंतर ज्ञान हुए कोई भी जीव सेवा का काम नहीं करता। तो ऐसे जीवों के लिए महापुरुषों ने एक परिभाषा बनाई, आज्ञा समरस साहिब सेवा, अपने स्वामी की आज्ञा रखना। बस उनकी जो आज्ञा हो उसको मानना, लेकिन शर्त यह है कि सहर्ष मानना, अपना सौभाग्य मान कर मानना।